पाकिस्तान के शुमाल मगरब में फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज का इलाका फाटा के नाम से मशहूर है। 27,220 मुरबा किलोमीटर पर मुहित ये पहाड़ी सिलसिला 7 एजेंसी पर मुश्तमिल है। इनमें खैबर एजेंसी, कुर्म एजेंसी, बाजोड़ एजेंसी, महमद एजेंसी और गजाई एजेंसी, शुमाली वजीरस्तान और जनूबी वजीरस्तान शामिल हैं। फाटा पाकिस्तान के किसी भी सूबे का हिस्सा नहीं और इसे वफाक कंट्रोल करता है। फाटा के शुमाल मशरक में सूबा सरहद और पंजाब है, जबकि मगरब में ड्यूरेंट लाइन इसे अफगानिस्तान से जुदा करती है। जबकि बलूचिस्तान इसके जनूब में वाक़ है। 960 ईस्वी में यहाँ इस्लाम की आमद हुई। तुर्की से महमूद गदरवी ने इस खत्ते को फतह करते हुए लाहौर तक रसाई हासिल की। 1221 में यहाँ चंगेज खान, 1398 में तैमूर काबुज हुआ। 1504 में बाबर ने वस्ती एशिया से काबुल के रास्ते बरसगीर को फतह करके मुगलिया अहद की बुनियाद रखी। फतुहात के सिलसिले में शहनशाह बाबर को इस खत्ते से भरपूर इमदाद मिलती रही। 1761 में होने वाली पानीपत की लड़ाई में इस खत्ते के नौजवान लड़े। 1769 में इसी रास्ते से बरसगीर पर फारस से नादर शाह हमलावर हुआ और मकामी आबादी को अपनी फौज में नौकरियां दी। 1893 से फाटा को आजाद कबायली इलाके की हैसियत हासिल है। इस खत्ते के बासियों ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के खिलाफ जंग लड़ी और 1979 में अफगानिस्तान पर रूसी एलगार को रोकने में अहम किरदार अदा किया। बरसगीर पाको हिंद पर बरतानवी राज के दौरान भी यह इलाका आजाद था और 1860 से 1945 तक यहाँ से बरतानवी अफवाज पर हमलों का सिलसिला जारी रहा। 1947 में ये इलाका पाकिस्तान में शामिल हुआ। फाटा की आबादी तकरीबन 57 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और इसमें से 3.1% आबादी शहरों की बासी है। यहाँ 1961 में शहर आबाद होना शुरू हुए थे। यहाँ कोयले, संगमरमर और तांबे के वसी ज़खायर हैं, लेकिन इन्हें कभी भी इस्तेमाल में लाने की कोशिश नहीं की गई। यहाँ वजीर वाल्व नामी जबान बोली जाती है, जो पश्तो जबान ही की एक शाख तसव्वुर की जाती है। यहाँ की आबादी वजीरी कहलाती है और बहुत जंगजू है। वजीरी बासियों ने जारे और गैर मुल्की कुव्वतों को हमेशा ही कबूल न करने की रवायत को कायम रखा है। 1930 की दहाई में बरतानवी राज के खिलाफ बसरे पैकार दस्तों का झंडा अल्लाह अकबर के नारे से मुजयन था, जो उनकी कुव्वत ईमानी की पहचान था। इन एजेंसी पर हुकूमती अमलदारी के लिए पोलिटिकल एजेंट मुकर्रर किया जाता है, जो बरतानवी दौर की याद दिलाता है। शुमाली वजीरस्तान का जिले सदर मुकाम मीरान शाह है। इस एजेंसी से अफगानिस्तान के सूबा खोस्त और पख्तिया की सरहदें मिलती हैं। जनूबी वजीरस्तान का जिले सदर मुकाम वाना है। इस इलाके की पहचान यहाँ की मौजूद ऐसी भेड़े हैं जिनकी दुम निस्बतन भारी होती है। इनके जिस्म के बाल सफेद होते हैं सिवाय चेहरे के, और उनके चेहरों का रंग स्याह होता है। 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद इस इलाके को खास अहमियत हासिल हो गई और 9/11 के वाक़े से जहाँ दुनिया में भूचाल आया, वहीं ये खत्ता भी फ्लैश पॉइंट बन गया। आज इस वाक़े को गुजरे 7 साल होने को आए हैं, लेकिन इसकी हकीकत के बारे में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। ताहम आलम इस्लाम को इस वाक़े के बाद जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, उसमें कमी का अमकान तो बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आता, बल्कि आने वाला हर नया दिन रंजो अलम में इजाफे की बुरी खबर ही लेकर आता है। अमरीकी सरबराही में इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की अफगानिस्तान और फिर इराक पर चढ़ाई ने हजारों बेगुनाह मुसलमानों को बारूद का निशाना बना डाला है और लाखों अफराद को बेघर कर डाला है। अफगानिस्तान में बर्बरियत का निशाना बनने वाले तालिबान बदस्तूर कलमा हक बुलंद कर रहे हैं। 4 जून 2007 को पाकिस्तान सिक्योरिटी कौंसिल ने सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ की सदारत में होने वाले एक इजलास में फाटा में मुबैना सरगर्मियों को रोकने के लिए इकदाम का फैसला किया। मुबसरीन के नजदीक इसके पीछे अमरीकी चालबाजियाँ थी और यूँ पाकिस्तान के अंदर एक ला मुतनाही जंग का आगाज हुआ। मसूद और वजीर यहाँ के दो बड़े पख्तून कबाइल हैं। यहाँ तालिबान के लिए माजी में काफी हमायत पाई जाती थी, जिसकी बुनियाद पर अफगान हुकाम इसे तालिबान की बड़ी पनागाह करार देते हैं। ये इलाका जंगी एतबार से इंतहाई दुश्वार है। ऊंचा खुश पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ खुले मैदान भी हैं और कच्चे रास्ते की वजह से यहाँ सफर करना भी आसान नहीं। वजीरस्तान वो पहला कबाइली इलाका था जहाँ पाकिस्तान ने अपनी फौज तैनात की, जहाँ से मुबैना तौर पर तालिबान के हमले अमरीकियों के लिए दर्द-ए-सर बने हुए थे। मुकामी कबाइल का कहना है कि अफगानिस्तान पर हमलावर रूसी अफवाज के खिलाफ मुजाहमत असल में वजीरस्तान से ही हुई थी। रूसी फौज के खिलाफ लड़ाई के लिए असला और मुजाहिदीन यहीं से ट्रकों से अफगानिस्तान जाते थे। कबायली इलाके की आखिरी हद या पिछवाड़े का इस वक्त की पाकिस्तानी और अमरीकी हुकूमतों ने खूब फायदा उठाया। अब बाहर ऐसा महसूस होता है कि बोतल से निकला हुआ ये जिन सर तोड़ कोशिश के बावजूद वापस बोतल में नहीं जा रहा। 2001 में वाशिंगटन के दबाव पर पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका का इतिहादी बन गया और तालिबान ने अस्करी पसंदों की बेखनी शुरू कर दी। सरकारी इतलात के मुताबिक तालिबान वजीरस्तान में आकर पनागजी हो गए हैं। यहाँ बपा होने वाली मुबैना शोरश पर अमरीकी मुतालबे पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इधर अमरीका इक्तसादी तरक्की के नाम पर यहाँ रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन का क्याम चाहता है और आज का वजीरस्तान हर रोज नित नए फसाद और बर्बादी की खबर दे रहा है। दूसरों की सुलगाई आग आज पाकिस्तान के अंदर पहुँच चुकी है। अल्लाह खैर करे।